तो दोस्तों अगले वीडियो में हमने देखा था कि भाई SP801 जो नया कंट्रोलर आया है वो किस तरीके का दिखता है और उसमें क्या क्या फ्यूचर है, कितने पोर्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन एप्लीकेशन हम लोग नहीं समझे थे। तो आज के वीडियो में हम एप्लीकेशन समझने वाले हैं, उसका प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो गाइस चलो हम फटाफट से शुरू कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो ऐप्स हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन मोबाइल की दिख रही होगी। सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर से ये बनलक्स करके कुछ ऐप्स है वो डाउनलोड करना है। पता नहीं नाम ऐसा क्यों रखा है, लेकिन ये जो QR कोड दिया हुआ है कंट्रोलर के ऊपर उसे स्कैन करोगे तो आ जाएगा। तो फिलहाल हम करते हैं उसे ओपन। तो ये यहाँ पे मेरा कनेक्ट है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उसको रिमूव कर देता हूँ आपके सामने ही, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि भाई रिमूव तो हो चुका है, तो अभी हम ये प्लस का आइकॉन है उसके ऊपर जाएंगे। जैसे उसके ऊपर टैप करेंगे तो अभी दो ऑप्शन आएंगे, उसमें से हमें ऐड डिवाइस पे जाना है। ऐड डिवाइस में जाने के बाद हमें क्या करना होगा गाइस कि यहाँ पे जो भी सर्चिंग में है तो आ चुका है लेकिन आपको नहीं आएगा, मेरा ही दूसरी बार है, तो ये ऐड मैन्युअली करना है। ऐड मैन्युअली आप जब भी करोगे तो होगा ये कि ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए गाइस, तो एक तो है BT कंट्रोल और ये वाईफाई कंट्रोल। अभी BT कंट्रोल और वाईफाई कंट्रोल क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि ये जो BT कंट्रोलर मतलब ब्लूटूथ से ऑपरेट नहीं होगा गाइस, ये वाईफाई से ही होगा। लेकिन एक ऑप्शन है उसमें BT जिसमें लिखा है वो डायरेक्ट राउटर के साथ कनेक्ट होगा, और वाईफाई लिखा है उसमें वो ये जो कंट्रोल है वो हॉटस्पॉट को जनरेट करता है, तो उसमें इंटरनेट वगैरह आप यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए ये दो मोड दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं BT कंट्रोलर, ठीक है। तो ये BT वाला है, तो हमारा ये रहा है देखो SP801, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अभी है ना ये जो यहाँ पे लिख के आ रहा है वो मेरे जो राउटर है ना, मेरा राउटर उसका पासवर्ड एंड नेम है, ठीक है। तो ये आपको पहले यहाँ पे नहीं है तो डाल देना है, ठीक है। मैंने डाल दिया है, अभी नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो ये जो बात है वो इम्पोर्टेड है। अभी आप ब्लूटूथ यहाँ पे वीवा ब्लूटूथ लिखा हुआ है, ठीक है, VA ब्लूटूथ, इसका मतलब है कि भाई ब्लूटूथ पे मतलब वाईफाई से ही होगा, लेकिन डायरेक्ट आपको राउटर के साथ कनेक्ट करना है तो थोड़ी देर के लिए कुछ तो कनेक्शन के लिए चाहिए ना, तो ये ब्लूटूथ के जरिए वो कनेक्शन बनाए रखता है और थोड़ी देर के बाद वो जब वाईफाई के साथ राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ करना है तो इसकी कंडीशन है कि भाई ये जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंकिंग होना ज़रूरी है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है ना, तो ये चीज़ है। और ये डायरेक्ट हॉटस्पॉट को जनरेट करना है तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइट है वो राउटर में चलना ज़रूरी है। तो ये आपको वीडियो में दिख रहा है किस तरीके से ये स्विच दिया हो उसे आप कर सकते हो चेंजेस, ठीक है। और ये जो ब्लूटूथ वाला है उसमें ग्रीन लाइट को ब्लिंक करने के लिए जो AP बटन है उसको प्रेस करके होल्ड करके रखना है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और ये देखो अभी ये ब्लिंकिंग करवाना बाकी है, मतलब मोड चेंज नहीं हुआ, तो ये कर दिया मैंने ग्रीन लाइट को ब्लिंकिंग। अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आ चुका है गाइस, देखो ये इसे टैप करो और ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इस तरीके से आपको ऐड सक्सेसफुली करके आ जाएगा, फिर डन कर देना है। तो ये फाइनली हमारा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो ये मैंने सब बनाए हुए हैं, ये किस तरीके से बनते हैं सभी लेआउट सीन। तो यहाँ पे प्लस का आइकन है उसे पेस करो, फिर ये जो है ना ऊपर लेआउट, लेआउट के ऊपर क्लिक करो, फिर एडिट लेआउट करो। तो एडिट करोगे तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो हो जाएगा। देखो ये हमारा पॉट सिलेक्ट करना है जो P1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी हाइट वेट है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, तो हम लिख देते हैं भाई क्या लिखते हैं, ये 16x16 का, तो 16 16 और इधर भी 16, ठीक है। अभी नेक्स्ट कर देना है। ये इम्पोर्टेंट है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई वायरिंग आ चुका है भाई,
ये यार कितना गजब चीज है गाइस। इसे हमें है ना कंप्यूटर में करना पड़ता था और मेमोरी में डालना पड़ता था, अभी लाइव में आ चुका है। तो आप ये एस टाइप जेड टाइप ये आप देख सकते हो, जो भी चाहो कर सकते हो। तो हमारा ये जो है वो किधर से स्टार्ट होता है गाइस, तो देख लेते हैं हम लोग। हाँ ऊपर से होता है, एस टाइप है और ऊपर से होता है। तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया, फिर डन कर देना। ठीक है डन कर दिया, ये काम हमारा पूरा हो चुका है। अभी हम उसे सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे देखो ये सब दिया हुआ है कि ये म्यूजिकल इफेक्ट, रेगुलर इफेक्ट, इमेज, जी आई एफ भी आप चला सकते हो गाइस। सबसे पहले मैं आपको जी आई एफ चला के दिखाने वाला हूँ, तो इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे मॉनिटर का सिंबल दिया हुआ, लाइव डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे जी आई एफ हम इंसर्ट करते हैं हमारे फ़ोन से। तो कोई भी उठा लेते हैं ये, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वहाँ पे चल रहा है, देखो गाइस है ना कमाल की चीज़ है। फिर दूसरा क्या है हमारा, ये ड्राइंग है, तो ये इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखो स्मार्ट इंडिया का यस, तो वहाँ पे भी पड़ गया। दूसरा कुछ तो ये लाइव है यार, मतलब कमाल का कंट्रोलर है। ठीक है अभी हम दूसरा देखते हैं, रेगुलर इफेक्ट। तो इफेक्ट में क्या क्या इफेक्ट दी हुई है गाइस, तो ये आप देख सकते हो। एक तो ये इफेक्ट है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ देखो ये कैसा है, स्क्रॉलिंग वाला है, एकदम माइक्रो सेकंड में काम होता है, मतलब डीले तो पता ही नहीं चलता गाइस, देख सकते हो आप है ना। ये फायर वाला इफेक्ट देखो गाइस कितना बढ़िया है। ये फिक्स इफेक्ट ही है गाइस, और आप जी आई एफ कुछ लगा सकते हो अपने गूगल से डाउनलोड करके। ठीक है आप देख सकते हो गाइस इस तरीके से। और यहाँ पे भी यहाँ ही दे दिया ये स्क्रॉलिंग वाला, ठीक है टैक्स। तो ये टैक्स यहाँ पे आप लिख सकते हो जिस तरीके से लेआउट में आप पसंद करोगे। तो एडजस्ट में जाओगे तो यहाँ पे जो भी चाहो लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ स्मार्ट इंडिया, ठीक है। तो लिख के आ चुका है गाइस, बहुत ही मतलब मज़ेदार कंट्रोलर है। अभी आप चाहो तो इसके पीछे कोई डिज़ाइन चलाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, देखो है ना। कोई भी इफेक्ट के साथ साथ टैक्स है ना, एकदम कमाल। फिर आपको कुछ नहीं करना, ये रिकॉर्डिंग का बटन है, नाम लिख दो कोई भी लिख दो यार, एक्स वाई यार, ठीक है रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हो चुका गाइस। इस तरीके से है ना ये पूरा प्रोसेस है। तो गाइस ये अभी जो आप देख रहे हैं वो है 12x12 का पूरा मैट्रिक्स, और ये है हमारी फेवरेट 2811। और हाँ इसके अंदर 120 MB कुछ है, तो आप लिमिटेशन में काम कर सकते हो। और परचेस करने के लिए तो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके भी बताओ कि भाई क्या छूट गया है। आप नया कुछ जानते हो तब भी मुझे बताओ, मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो मैंने A to Z कवर करने की कोशिश की है, एक वीडियो में कवर नहीं हो रहा तो मैंने दो वीडियो बनाए एप्लीकेशन का भी, ये प्राइवेट एकदम डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। तो गाइस आई होप कि यार आज के वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो ऐप्स है वो किस तरीके से 801 के साथ कनेक्ट करना है, इसे परचेस करना है। तो सब लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो है ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।